टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सियाती मंसूबों के साथ साथ वहाँ की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। ये न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टिसी के साथ पेश किया जाता है। भारत में श्री राम मंदिर के इनॉग्रेशन के वलवले में एक कश्मीरी लड़की ने पहाड़ी जुबान में राम भजन गाकर पूरे भारत से दाद वसूल की है। ANI के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इस लड़की का कहना था कि कश्मीर से अब नेगेटिव ख्यालात मिटते जा रहे हैं। लॉर्ड राम भारत के हैं, हम सब के हैं, ये था लड़की का कहना। चलिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाती हूँ उड़ी कश्मीर से। मड़ी चोखटे ता टुरका आज चार धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन अम्मा सीता नाल आए दिन, प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनु मान आए दिन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए दिन। वस्सलाम। जो आपने ये जो राम मंदिर पे जो लिखा है, इस बारे में थोड़ा बताएं, कैसे आइडिया आया आपको? मैंने एक हिंदी भजन सुना जुबीन नौटियाल का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उस वजह से मैंने कहा कि जब ये हिंदी में गा सकते तो मैं इसे अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में क्यों नहीं गा सकती। तो मैं बैठी कॉपी पेन लेके मैंने ये भजन अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में गाया, मेरी मदर टंग में गाया। तो फिर मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके मैंने सर को सुनाया। सर ने कहा हाँ बहुत अच्छा है। तो जिनके कश्मीर हेड के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो उन्होंने ये पोस्ट किया और वहाँ से ये जो मेरा राम भजन है ये बहुत वायरल हो गया। तो कैसा फील कर रही हैं आप? अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, थैंक्स टू इंडिया, इवन थैंक्स टू LG, क्योंकि ये LG साहब की वजह से हो रहा है कि लोगों के माइंड से नेगेटिव चीज़ें निकल रही हैं। तो इस टाइम जैसे मैंने राम भजन गाया तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने इवन मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत कांग्रेस किया मुझे कि आपने इतना अच्छा गाया। इस टाइम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से आपको कॉल्स आ रही हैं, आप लाइव कर रहे हैं उनके साथ, ये सारा कश्मीर एहड की वजह से हुआ। तो लोगों के लिए पूरे हिंदुस्तान में आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी ये मैसेज है, फर्स्टली जो मैं सैयद कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो जो हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है ना, उनका ये पैगाम है कि जिस वतन में आप रहें उनसे मोहब्बत करें, मतलब वतन हुब्बे मोहब्बत ही जिसको बोलते हैं, अपने वतन से करिए। तो मेरा ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लड़ झगड़ के कुछ नहीं मिलने वाला, हिंदू लोग मुस्लिम्स की रिस्पेक्ट करें, हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करें। तो स्पेशली जैसे हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने हमें ये चीज़ सिखाई कि बेटा कि जो मेरी उम्मत है उनका उनको कभी किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है। तो जो राम श्री राम जी थे वो पुरुष उत्तम उन्हें कहा जाता था, तो वो इंसानों में पुरुष उत्तम थे, मतलब सबसे हाई जगह पर उन्हें माना जाता था, क्योंकि वो ऑनेस्टी की वजह से बहुत फेमस थे, वो आइडियल पर्सन थे और वो जस्टिस पे ज्यादा बिलीव करते थे। उधमपुर में BJP के दफ्तर में लोहड़ी को भरपूर तरीके से मनाया गया। इस मौका पर बॉन फायर में थान और मिठाइयों को निछावर करके खुदा का शुक्र अदा किया गया।
तो हम सब यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय में इकट्ठे हुए हैं। इस लोहड़ी के त्यौहार को हमने सेलिब्रेट किया, मनाया, हमने बड़ी धूमधाम से मनाया। बहुत खुशी का विषय है कि इस बार का जो ये लोहड़ी का त्यौहार हमारे लिए एक विशेष त्यौहार, एक संदेश लेके आया कि आज से करीब सप्ताह के बाद जो है 22 तारीख को जो है हमारे यहाँ अयोध्या में रामलला की मूर्ति की जो है पुनर्स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। एक भव्य मंदिर जो बना है, एक 500 साल के संघर्ष के बाद, कई 500 साल तक कई लोगों ने अपनी जो है आहुति दी है इस मंदिर के लिए, वापस पाने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारी न्याय व्यवस्था, सब इसके लिए जो है बड़े बधाई के पात्र हैं। और लोगों की, करोड़ों अरबों लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं कि हमारे लाल रामलला की वहाँ पे स्थापना होगी। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस भव्य, इस 500 साल के बाद होने वाली इस घटना को, हम अलौकिक घटना को हम देखने जा रहे हैं। पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई। कश्मीर में जैसे जैसे सर्दी जोर पकड़ती जा रही है, अस्पतालों में सर्दी की बीमारियों का मुकाबला करने की खातिर तैयारियां भी जोरों पर हैं। इस मौका पर फ्लू वैक्सीन, दवाइयों और स्टाफ की मौजूदगी को यकीनी बनाया जा रहा है। आज सीजन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा जो अगर आप बाहर निकलते हैं कि ठंड होती है, आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, तो उसके हिसाब से जो भी ड्रग्स होंगे, डिस्पोजेबल्स होंगे या कोई भी रिलेटेड आइटम है, हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है। हॉस्पिटल में हीट का जो पेशेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए हीटिंग अरेंजमेंट्स अच्छे से हो जाएं, तो उसके लिए हर एक हॉस्पिटल में हमने हीटिंग अरेंजमेंट्स कराए हैं, जैसे कि पास प्रैक्टिस है। दूसरा ये होता है कि जो हमारे कुछ कट ऑफ एरियाज होते हैं, जैसे गुरेज है, केरन है, ऐसे ऐसे कुछ एरियाज हमारे होते हैं जो कट ऑफ होते हैं विंटर में, उनको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं होती है विंटर की वजह से, तो उनको पहले ही हम वहाँ की ड्रग्स जो अवेलेबिलिटीज होती है वो स्टोर की जाती हैं, तो वो भी किया जा चुका है। ज़्यादा बीमारी चेस्ट, ज़ुकाम और फीवर, उसके लिए यहाँ भी इलाज होता है, ठीक होता है इस इलाज। शुक्र पर वाले कि जब बारिश पड़ेंगे तो ये थोड़ा कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ धूप है, निकलता है धुंध भी निकलता है, उसकी वजह से चेस्ट और ज़ुकाम और फीवर ज़्यादा होता है, बूढ़ों को भी, लगतों को भी, जवानों को भी। जी सर, इंडियन आर्मी अखनवर के मकाम पर एक होमलेस फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची। चकमलाल विलेज के एक शहरी राकेश कुमार का घर बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से जल गया। आर्मी ने राकेश के घर को सर्दी से महफूज रखने की खातिर फौरी एक टेंट का इंतजाम किया और इन्हें मुनासिब खुराक भी फराहम की। इस इलाके के लोगों ने आर्मी की फौरी इमदाद को सराहा।
मेरा नाम आरती देवी है, मैं गांव चकमलाल में रहने वाली हूँ। हमारी घास की झोपड़ी जल के रह चुकी है, हमारे आर्मी वालों ने आके हमारी मदद की है तो हमें टेंट लगा के दिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हमने रहने की जगह बहुत अच्छे से मिल गई है, हमारा जल के सब कुछ रह हो गया, हम रह नहीं पा रहे थे और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब कुछ जल गया है, दाने सब कुछ। कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, इससे जो वो झोंपड़ी थी वो जल गई है। तो अभी जो हमारे भारत की सेना है, जो हमारे पास आई है, उन्होंने छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी मदद की है, उनको टेंट लगा के दिया है, नहीं तो उस पड़ रही है, उसकी वजह से दार बदारी होनी थी। उन्होंने कुछ खाने पीने के लिए भी सामान सामग्री दिया है, हम भारतीय सेना का धन्यवाद करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास गुलमर्ग के इलाके में बर्फानी लैंडस्लाइड से रेस्क्यू करने की खातिर भारतीय आर्मी फौरी हरकत में आई और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से सरंजाम दिया। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टिसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।